हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सॉल्यूशन। कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें और मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर व्यू मेन्यू का यूज़ करेंगे। व्यू मेन्यू के अंदर कौन कौन से फंक्शन हैं, उनका यूज़ किस प्रकार होता है, ये आज हम आपको बताएंगे। व्यू मेन्यू में सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है इसके अंदर, नॉर्मल वेव। नॉर्मल वेव का क्या है कि जैसे जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारी ये वर्कशीट है, ये क्या है, ये नॉर्मल वर्क है, नॉर्मल शीट होती है, ये हमारा पेज नॉर्मल है। इसी प्रकार अब व्यू में नेक्स्ट बात करें तो पेज लेआउट, तो क्या है, जैसे जो हमारी शीट है पेज, इसको फॉर्मेट करना, तो इसका फॉर्मेट करेंगे हम तो पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, हमने पेज लेआउट पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारा पेज इस हिसाब से शो हो रहा है। इसे देखिए आप थोड़ा छोटा करेंगे तो देखिए आपको और पेज भी दिखाई देंगे फॉर्मेट में। ये देखिए पेज लेआउट करने पर हमें इस प्रकार शो होएगा हमारा वर्कशीट। देखिए हमने नेक्स्ट पेज पे क्लिक टू ऐड डाटा किया तो ये देखिए इस प्रकार हमारा पेज शीट में शो करने लगा। देखिए ये हमने क्या किया, पेज लेआउट कर लिया था। अब इसे वापस हम नॉर्मल कर लेते हैं तो ये देखिए हमने नॉर्मल कर लिया। ये देखिए जो पेज लेआउट कर लिया था तो उस प्रकार ये देखिए वो लाइन अभी भी शो हो रही है हमें, ये क्योंकि ये पेज बन गए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब क्या है कि हम जैसे देखेंगे यहाँ से कुछ डाटा सेलेक्ट करके, ये देखिए हम जैसे इतना सेलेक्ट कर लेते हैं, अब इसका प्रीव्यू देखते हैं हम किस प्रकार दिखाते हैं। तो ये देखिए पेज ब्रेक प्रीव्यू करते हैं तो ये देखिए ये इस प्रकार इतना ही हमारा डाटा प्रिंट होके शो होएगा, इस प्रकार दिखाएगा हमें छोटे साइज में हमारा पेज प्रीव्यू करने पर। हमने नॉर्मल पेज कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं व्यू मेनू के अंदर कस्टम व्यूज। कस्टम व्यूज का क्या है कि इसमें डिफरेंट टाइप के व्यूज बनाने, तो डिफरेंट टाइप के व्यूज हम किस प्रकार बना सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे जो हमारा पहले कोई डाटा बना रखा है उसको हम सेव कर लेते हैं एक बार, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम कस्टम व्यूज पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस प्रकार आ गई है और इसके अंदर ये देखिए सेव करने के लिए क्या देखा है, ऐड, ऐड पर क्लिक करेंगे और इस डाटा रिकॉर्ड का कोई नेम दे देते हैं, इसमें हम कोई नेम दे देंगे फुल व्यू नेम दे दिया हमने और ओके पर क्लिक कर दिया, ये हमारा सेव हो गया। ये हमने सेव इसलिए कर किया है कि अब हम इसमें कोई भी एडिटिंग करेंगे तो उससे इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब इसमें हम कुछ एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हम इतने को डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया, इस पर कोई फंक्शन लगा लेते हैं, जैसे हम होम मेन्यू में शॉर्ट फंक्शन लगा लेते हैं, ये देखिए A to Z शॉर्ट लिस्ट लगा लेंगे, तो ये देखिए हमने शॉर्ट लिस्ट लगा लिया है। फिर क्या करेंगे, व्यू मेन्यू में वापस जाएंगे और कस्टम व्यू पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर इसका भी कोई नेम दे देंगे। इसके अंदर हम एक और फंक्शन लगा लेते हैं और अब एक और फंक्शन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम इन 3 कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, इन्हें इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया मैंने 3 कॉलम को, अब हमें ये शो नहीं करने, हमें इसे ये शो करवाने, इन्हें हाइड करना है, तो अब हम राइट क्लिक करके इनको एक सिलेक्ट करके और राइट क्लिक कर लिया जो हमने कॉलम लिए हैं और उसमें ये देखिए यहाँ हाइड का ऑप्शन आया हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमें हाइड हो गया। और इसे भी हम एक व्यू से नाम से सेव कर लेते हैं, कस्टम व्यू पर क्लिक करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे, हमने एक नेम से सेव कर लिया। तब हमने जिस जो जो चेंजिंग की है, एडिटिंग की है, तो उसका कैसे पता लगाएं हम,
हमने कौन कौन से व्यू बनाए हैं। तो व्यू मेन्यू में जाएंगे हम, व्यू मेन्यू पर क्लिक किया और इसके अंदर हम कस्टम व्यूज पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने कस्टम व्यूज पर क्लिक कर लिया। तो ये देखिए इसके अंदर ये दिखा रहा है हमने तीन बार व्यू बनाए हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के। तो ये देखिए अब जैसे हम फुल व्यू पर करेंगे और इसे शो पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो पहली सीट थी वो आ जाएगी। ये देखिए हमारी नॉर्मल सीट थी वही वापस आ गई है। फिर सेकंड इसी प्रकार फिर कस्टम व्यू पर दोबारा क्लिक करेंगे। फिर ये देखिए शॉर्ट व्यू किया था हमने और फिर शो करेंगे। तो ये देखिए हमने शॉर्ट लिस्ट का किया था सिलेक्ट करके वो आ गई। फिर इसी प्रकार व्यू मेन्यू में फिर कस्टम व्यू पर क्लिक करेंगे और चेंज पर क्लिक करेंगे और चेंज में हमने ये देखिए पॉइंट क्या है इसके अंदर फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का क्या है कि हमारी जो स्क्रीन है हमें इसे फुल स्क्रीन में शो करना है। तो इसे हमें फुल स्क्रीन में देखना है तो फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फुल स्क्रीन कर ली। तो इसमें ये देखिए आपको यहाँ कोई भी टूल्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ सिर्फ देखिए आपको रो और ये देखिए ये कॉलम्स सिर्फ इतना ही शो रहा है। इसे हम वापस हमारी नॉर्मल सीट कर लेते हैं। ये देखिए मैक्सिमाइज पर क्लिक किया और मिनिमाइज पर क्लिक किया, ये देखिए हमारा वापस नॉर्मल आ गया पेज। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर व्यू मेन्यू के अंदर शो एंड हाइड है। शो एंड हाइड में क्या है कि हमें क्या शो करवाना है क्या हाइड करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी कर रखी है, ये देखिए सेम वही चीज़ है रूलर। ये देखिए इस प्रकार रूलर शो होगा, ऐसे हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। देखिए हमारी जो वर्कशीट है इसके अंदर ये देखिए बॉक्स के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है ग्रीड लाइंस होती है। अगर इसे हम हाइड कर देंगे तो ये देखिए हमारा पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह प्लेन दिखाई देगा। एक्सेल के अंदर क्या है ग्रीड लाइंस होती है। ये देखिए इसी प्रकार ये देखिए यहाँ फॉर्मूला बार दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हम जो फॉर्मूला टाइप करेंगे तो वो लाइंस शो होती है हमें। यहाँ इसे हाइड कर देंगे तो वो देखिए हमें फॉर्मूला बार शो नहीं हो रहा। इसी में नेक्स्ट क्या है हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या है ये देखिए जो हमारे रो और कॉलम है ये शो हो रहे हैं, ये हमारी हेडिंग्स है। अगर इन्हें हमें शो करवानी है तो हेडिंग्स पर क्लिक करेंगे और क्लिक कर नहीं दिखाना तो अनहाइड हो जाएगा। ये देखिए क्या है इसके अंदर जूम। जूम क्या है कि जो हमारी स्क्रीन है इसे हमें जूम करके देखनी है तो हम इसे जूम करके भी देख सकते हैं। ये देखिए हम जूम पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए आपकी स्क्रीन है कितनी भी बड़ी जूम कर सकते हैं। ये देखिए भी है 100% हमारी स्क्रीन, इसे 200 पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये देखिए इतनी बड़ी शो हो रही है। इसे हम यहाँ देखिए यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम वापस हमारे 100 पे ही ले आते हैं नॉर्मल। ये देखिए आप ये देखिए यहाँ से भी सीट 100% दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 100% हो जाएगी। इसके अंदर जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन का क्या है जो हमने जूम का किया है वही जूम टू सिलेक्शन में होगा। ये देखिए हम जूम टू सिलेक्शन करेंगे तो ये किसके अंदर भी हमारी स्क्रीन कितनी बड़ी शो हो रही है क्योंकि वो पहले 200 थी हमारी, अब ये 400% शो हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी शो हो रही है। इसे वापस 100 पर करेंगे और नॉर्मल स्क्रीन कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।